हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक यूनिक। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पेज के वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, बड़े आसान तरीके से अपने पेज पर अपलोड कर पाएंगे बिना किसी ऐप का यूज़ किए। यानी कि जो फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो ऐप है उसका हम यूज़ नहीं करने वाले हैं, सारी प्रोसेस अपने वेब ब्राउज़र से करने वाले हैं, क्रोम ब्राउज़र से। तो सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखिए, मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पे सर्च कर देना है आपको क्रिएटर स्टूडियो। दोस्तों, फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो होता है और यूट्यूब का यूट्यूब स्टूडियो होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऐसा सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहीं से आप अपने जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्रिएटर स्टूडियो ऐप डाउनलोड कर रखा है। तो यहाँ से आप सिंपली चाहें तो अपने ऐप पर डायरेक्ट हो सकते हैं, रिडायरेक्ट करा दिया जाएगा। अगर आपको अपने पेज से नहीं अपलोड करना है डायरेक्ट ब्राउज़र से, तो सिंपली क्रोम पर ओके कर देना है। तो दोस्तों, क्रोम पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे डाउनलोड क्रिएटर स्टूडियो और नीचे कंटिन्यू टू डेस्कटॉप वर्जन, सिंपली कंटिन्यू टू डेस्कटॉप वर्जन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका डैशबोर्ड खुल के आ चुका है। यहाँ पे एडमिन, पेज का नाम, व्यू, परफॉर्मेंस, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको गो टू फुल साइट पर क्लिक कर देना है नीचे आने के बाद। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका बिजनेस साइट खुल चुका है, यानी कि फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो वेब ब्राउज़र पे खुल चुका है। यहीं से आप अपना चैनल मोनेटाइज कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब प्रोसेस करने से पहले आपको ध्यान रखना डेस्कटॉप साइट पर करनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है क्रिएट न्यू का ऑप्शन। तो सिंपली क्रिएट न्यू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड वीडियोज़ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, सिंपली फाइल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जिस फाइल में आपने अपना वीडियो रखा हो, सिंपली उस फाइल में चले जाना है साइट पर क्लिक करके और अपनी वीडियो यहाँ पे ओके कर देनी है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने फाइल को इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि जो वीडियो अपलोड करना चाहते हो सिंपली उसे सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे टाइटल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं जिस रिलेटेड आपका वीडियो हो, यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जल्दी से लिख लेता हूँ ये सब चीज़ें। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैंने टाइटल लिख लिया है, तो सिंपली इसे कॉपी कर लेंगे यहीं पर क्लिक करके। और यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर क्लिक करना है सिंपली, और यहीं पर आपको ये चीज़ें पेस्ट कर देनी है। दोस्तों, जो आपने ऊपर टाइटल अपना कॉपी किया है यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहीं से आप अपना थंबनेल लगा सकते हैं। तो दोस्तों, थंबनेल पर सिंपली क्लिक कर देना, जो साइड में ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आप अपना खुद का थंबनेल, कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं या जो आपने वीडियो से अपने सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं खुद का थंबनेल कस्टम लगाना चाहता हूँ, तो सिंपली कस्टम थंबनेल पर क्लिक कर देना है। तो अच्छा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको अपना थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने थंबनेल सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और वीडियो डिटेल जो ऊपर ऑप्शन है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा टैग का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ से आप टैग भी लगा सकते हैं किस रिलेटेड आपका वीडियो है। तो दोस्तों, यहाँ पे टैग आप सर्च कर सकते हैं या इसमें से ढूंढ सकते हैं आप। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपका टैग लग जाएगा जब जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंस एंड टेक पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको कई कैटेगरी दिखाई दे रही है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस कैटेगरी का आपका वीडियो है, जिससे आपकी वीडियो आसानी से लोगों के पास पहुँच सकेगी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने टैग लगा लिया है सिंपली। तो उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी ऑप्शन में छेड़खानी नहीं करनी है और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट वाले। दोस्तों, आपको नीचे एक नेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ से देखिए आपका एक बिफोर पब्लिश डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है, कैसे क्या होने वाला है। तो यहीं से आप इसे न्यूज़ फीड कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट ऐड कर लेनी है, सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप इस क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप प्लेलिस्ट बना सकते हैं। तो मुझे प्लेलिस्ट नहीं बनानी, तो सिंपली मैंने पहले से बना रखी है, तो सेलेक्ट कर लेंगे उसे। और उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे ऑप्शन पर चले आना है और यहीं पे पब्लिश पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, पब्लिश पर क्लिक करते ही आपकी वीडियो तुरंत से पब्लिश होने लगेगी। ये टोटली आपके नेट पर डिपेंड करता है कितना समय लगने वाला है। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।